चुप नहीं बैठेगा मुसलमान। मस्जिदों पर छिड़े विवाद से बौखलाए मुसलमान। मस्जिदों पर आई आज तो जवाब देने के लिए बैठे तैयार। बाबरी खोदी, अब ज्ञान वापी पर मुस्लिमों ने टेढ़ी की निगाह। 9 नवंबर 2019 ही वो तारीख थी जब नरेंद्र मोदी सरकार ने बाबरी विध्वंस मामले का हक हिंदुओं के पक्ष में कराकर राम मंदिर निर्माण का फैसला सुनाया था। बदले में मुस्लिमों को भी उनकी मस्जिद बनाने के लिए जगह दी गई थी। और अब बाबरी के बाद ज्ञान व्यापी के बाद मथुरा की मस्जिद, उसके साथ साथ ताजमहल और भी कई मस्जिदों की जब बात होने लगी है, हिंदुओं ने मस्जिदों से छिड़े जब पुराने विवादों को हवा देनी शुरू कर दी है, तो उससे मुस्लिमों में बौखलाहट देखने को मिल रही है। सुन्नी मुसलमानों के सबसे बड़े केंद्र दरगाह आला हजरत के प्रचारक मौलाना साहबुद्दीन ने सख्त चेतावनी भरे लहजे में कह दिया है, हमने बाबरी मस्जिद को खो दिया। उस वक्त मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते हुए खामोशी इख्तियार की, मगर अब मुसलमान खामोश नहीं बैठेगा। ज्ञानवापी मस्जिद पर छिड़े विवाद पर मौलाना साहबुद्दीन ने कहा, बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद का मामला इस वक्त तूल पकड़ता जा रहा है और इसको लेकर फिरका परस्त ताकतें आगे बढ़ रही हैं। हमने बाबरी मस्जिद को खो दिया, लेकिन अब मुसलमान खामोश नहीं बैठेगा अगर दूसरी मस्जिद पर हमला किया गया। मौलाना साहबुद्दीन ने विरोध में आंदोलन की भी आशंका व्यक्त की। फिर ताजमहल विवाद पर मौलाना साहबुद्दीन ने कहा, शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की मोहब्बत में ताजमहल बनवाया था, ये जमीन भी उनकी थी। ताजमहल का मुद्दा उठाना गलत बात है, मगर उस पर हाई कोर्ट के जज ने बेहतरीन फैसला देते हुए फटकार लगाई और अपील को खारिज कर दिया। ये नेगेटिव सोच के लोग रोजाना कोई ना कोई इशू उठाते हैं जो हिंदू मुस्लिम नफरतों को बढ़ाने वाला काम करते हैं। मौलाना साहबुद्दीन से पहले AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी देश भर में छिड़े मंदिर मस्जिद विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था, जो सच है वो सच रहेगा, अगर सरकार 91 एक्ट को खत्म कर दे तो अलग बात है, पार्लियामेंट के एक्ट को माना जाना चाहिए। मैं मुगलों का पैरोकार नहीं हूँ, बीजेपी इस मामले में सियासी रोटियां सेक रही है। कुल मिलाकर मुस्लिम समुदाय ने ऐलान कर दिया है कि अब अगर एक और मस्जिद पर आंच आई तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, फिर चाहे वो ज्ञानवापी हो, ताजमहल हो या फिर कोई और मस्जिद, जिस किसी को भी लेकर देश भर में विवाद छिड़ा हुआ है। वैसे मुस्लिमों के इस ऐलान को आप धमकी के तौर पर ले रहे हैं या फिर मुसलमान खामोश नहीं बैठेगा पर आपकी अपनी प्रतिक्रिया क्या है? अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें।